तो चलिए तस्वीरें अब आपको अगली दिखाते हैं। ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट की पीएम मोदी ने वीसी के जरिए उद्घाटन इस कार्यक्रम का किया है। तस्वीरें आपको दिखा लेते हैं, संबोधन भी सुनिए। अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। बीते एक दशक में कोस्टल कार्गो का ट्रैफिक दोगुना हो गया है और इससे लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑप्शन भी मिल रहा है। भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास से भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पिछले दशक में नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग उसमें करीब 4 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। हमारे प्रयासों से बीते 9 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रेटिंग्स बेहतर हुई है। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैरिटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भारत मैरिटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है।